दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तूतू मैमै जारी है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान स्कूल से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली की व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है उसे बीजेपी बंद करना चाहती है। अच्छा एक चीज बताओ, बिजली किस किस को फ्री मिलती है? किस किस को बिजली फ्री मिलती है? फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये लोग कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी है, ऐसे करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे करते हैं जैसे कोई भिखारी है हम लोग। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, वो भाई साहब ने ठीक बोला, बिजली फ्री बिजली आपका हक है कि फ्री की रेवड़ी है? ये क्यों चिल्लाते हैं फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी? ये इसलिए चिल्लाते हैं, ये दिल्ली में फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है बीजेपी वालों ने, ये दिल्ली में फ्री की बिजली बंद करना चाहते हैं। लेकिन चिंता ना करना, जब तक केजरीवाल जिंदा है बिजली फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई आदमी यह बता दे इन्होंने 15 साल में कोई एक अच्छा काम किया हो?